फोटो को रिसाइज कैसे किया जाता है। दरअसल फोटो को रिसाइज करने की आवश्यकता तब होती है जब आप किसी प्रकार का फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत जगह ऐसा कंडीशन रहता है कि 10 KB से लेकर 50 KB तक का फोटो ही आप अपलोड कर सकते हैं या 100 KB से लेकर 150 KB तक का ही फोटो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में इतने सारे मोबाइल में कैमरे इतने सारे अच्छे देते हैं कि एक फोटो का साइज लगभग 3 MB, 2 MB या 1 MB के आसपास हो जाता है। ऐसे में आप अपने मोबाइल स्मार्टफोन से किस प्रकार से फोटो को रिसाइज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए किस प्रकार से आप लोग मात्र 2 मिनट के अंदर अपने मोबाइल से ही अपने किसी भी फोटो चाहे वो कितना भी बड़ा साइज का हो उसे आप रिसाइज करके छोटा से छोटा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको किसी भी फोटो को रिसाइज करना है तो आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है फोटो रिसाइजर। जब आप इसे सर्च करेंगे तो सबसे पहले में आपको फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर एक एप्लीकेशन दिखाई पड़ता है। आपको बस उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली से आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इसका एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से आप अपने फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं और इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डन कर देना है और आपको अपने मोबाइल में कुछ ऑप्शन को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद मैं यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को रिसाइज करके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वह पिक्चर दिखाना चाहूँगा और उस पिक्चर की साइज को भी बताना चाहूँगा। जैसा कि यहाँ पर एक पिक्चर है, इस पिक्चर की अगर प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो इसका फुल साइज 2.75 MB का है और हमें इसे रिसाइज करके KB में करना है। तो बस आपको करना क्या है, फिर से वापस अपने एप्लीकेशन पर मैं चलाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट फ़ोटो, आपको इस पर क्लिक करना है और अपने गैलरी से उस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि देखिए फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है जो कि यहाँ पे 2.6 MB दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इसे चाहें तो यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। आपको जितना ही फ़ोटो की आवश्यकता हो उतना आप इसे क्रॉप करके भी रख सकते हैं। फ़ोटो को क्रॉप करने के बाद यह 75% ऑटोमेटिक ही छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रिसाइज का ऑप्शन आपको दिखाई पड़ता है, आपको रिसाइज पर क्लिक कर देना है। जब आप रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायमेंशन दिखाई पड़ रहे हैं कि आप इस फोटो को कितना रिसाइज करना चाहते हैं, 25%, 40%, 50%, 75% या कस्टम। तो यहाँ पे आपको जो भी साइज अच्छा हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और यहाँ पे देखिए मोर डायमेंशन भी, अगर शो मोर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अन्य डायमेंशन भी आपको दिखाई पड़ जाते हैं। अगर आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, आप कितना परसेंट तक आप अपने फ़ोटो को रिसाइज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे कम परसेंट यानी कि 25% पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप अभी देख पा रहे होंगे कि यह फ़ोटो जो कि 2.6 MB के आसपास था वह फ़ोटो अभी 94 KB का हो चुका है। तो आप कुछ इस प्रकार से कोई भी फ़ोटो हो, आपको फॉर्म भरने में आवश्यकता हो या अन्य किसी भी ऑनलाइन फ़ोटो को अपलोड करने में आवश्यकता हो कम KB का फ़ोटो को रिसाइज करने का, तो ऑनलाइन कहीं जाने से अच्छा है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और फ़ोटो को रिसाइज कीजिए। और फ़ोटो रिसाइज होने के बाद यह आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। आप फोल्डर देखने के लिए, जैसे कि आप मैंने रिसाइज फ़ोटो पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए स्टोरेज का लोकेशन दिखाई पड़ रहा है, स्टोरेज एमुलेट 0 पिक्चर और फोटो रिसाइजर। आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको फाइल्स में जाने के बाद एक ऑप्शन होगा पिक्चर्स, पिक्चर्स में आपको चले जाना है। पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा फ़ोटो रिसाइजर, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि फ़ोटो मैंने अभी रिसाइज किया वो यहाँ पर आ चुका है। और फ़ोटो की आप क्वालिटी भी देखें तो फ़ोटो की क्वालिटी भी ख़राब नहीं हो रही है।
फ़ोटो अच्छे क्वालिटी में रहते हुए भी इसकी साइज आप बहुत ज़्यादा छोटा से छोटा कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करूँगा कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।